नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवार भर्ती परिणाम से रिलेटेड, क्योंकि पटवार भर्ती परिणाम पर जो विवाद स्टार्ट हुआ था वो थमने की बजाय और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आज इसको लेकर ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पटवार भर्ती परिणाम पर बोर्ड तानाशाही कर रहा है, क्योंकि आज बोर्ड से हाईकोर्ट ने एक और याचिका पर जवाब मांगा है। तो डिटेल्स इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर प्रकार की जानकारी एवं सबसे सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हाईकोर्ट में पटवार भर्ती परिणाम पर पहले से ही दो याचिकाएँ दर्ज थी, जिन पर हाईकोर्ट ने बोर्ड से 23 फरवरी तक जवाब मांगा था, लेकिन उनका जवाब देने की बजाय बोर्ड ने तानाशाही दिखाते हुए 21 फरवरी से पटवार भर्ती परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट करने का नोटिफिकेशन निकाल दिया। लेकिन आज एक और खबर निकल कर आई कि हाईकोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर बोर्ड से एक बार फिर से जवाब मांगा है कि 2021 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई, जबकि ये बात आपने नोटिफिकेशन में नहीं डाली थी। इस याचिका में बताया गया था कि जब पटवार भर्ती परिणाम जारी किया गया था, उससे पहले उसकी जो आंसर की जारी की गई थी, प्रारंभिक आंसर की, उससे पहले तक बोर्ड के द्वारा नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला गया था। ये बाद में 13 दिसंबर को पटवार भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू करने का नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से डाला गया था। तो इसके संबंध में ही आज हाईकोर्ट ने बोर्ड से ये जवाब मांगा है कि 2021 में जो पटवार भर्ती आयोजित की गई, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई। तो अब देखते हैं बोर्ड की तरफ से इन तीनों याचिकाओं पर क्या कुछ जवाब दिया जाता है, क्या इन जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं होता है, ये सब देखने वाली बातें होंगी। पर लेकिन हाल में जो पटवार भर्ती परिणाम पर विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके संबंध में जो कुछ भी अपडेट रहेगी वो वीडियो बनाकर सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको इसकी सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर प्रकार की जानकारी एवं सबसे सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।